जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि डॉट नेट कोर में बेसिकली जो पैकेज मैनेजमेंट रेफरेंस मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हैं। सो मैं एक सिंपल सा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, और उसके अंदर हम रेफरेंस देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। सो इसको हम सिंपली कंसोल ऐप कह देते हैं। अच्छा जी, ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पे आप रेफरेंसेस के फोल्डर की जगह पर डिपेंडेंसीज का फोल्डर है, जिसके अंदर एक कैसे का फोल्डर आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट जो बेसिक लाइब्रेरी चाहिए उसका रेफरेंस एडिड है। अब हम ये करते हैं कि हम एक न्यूकेट पैकेज ऐड करते हैं। सो न्यूकेट की साइट पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमारे पास एक सिंपल हम सैम्पल के तौर पर पैकेज ले रहे हैं, जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल से। सो अगर आप ये न्यूकेट का पैकेज यहाँ पे देखें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन अवेलेबल है कि आप न्यूकेट पैकेज को यहाँ से सिंपली कमांड कॉपी कर लें, ये वाली इंस्टॉल पैकेज की, और सिंपली विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आप आएँ, यहाँ पे आपको टूल्स में पैकेज मैनेजर कंसोल नज़र आएगा, इसको ओपन कर लें। ये सेम फीचर है जो पहले भी अवेलेबल था आपके पास। यहाँ पे आप कमांड ऐड कर दें, पेस्ट कर दें और सिंपली इसको चला दें। तो बेसिकली ये आपके लिए न्यूकेट पैकेज ऐड कर देगा। अब डिफरेंस जो पहला डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पे पैकेज डॉट कॉन्फिग की फाइल ख़त्म हो गई है, अब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड, अगर आप इसके अंदर आएंगे तो एक न्यू गेट का सेक्शन नज़र आएगा, ये व्यू स्टूडियो आपको शो कर रहा है, ये एक्चुअली फोल्डर नहीं एग्जिस्ट करता फिजिकली, व्यू स्टूडियो आपको शो कर रहा है। इसके अंदर आएंगे तो आपको न्यू गेट का वो दिखा देगा कि ये वाला जो है वो पैकेज के थ्रू ऐड हुआ है, और फिर आगे जैसे डिपेंडेंसीज होंगी तो वो शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद अब अगर देखना है कि ये विजुअल स्टूडियो मेंटेन, ये प्रोजेक्ट मेंटेन कहाँ पे कर रहा है इस पैकेज को, तो अब ये प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेन कर रहा होता है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने से पहले ये ओपन नहीं करता, अब ये ओपन कर देता है, तो ये प्रोजेक्ट की फाइल बड़ी क्लीन अप हो गई पहले से। यहाँ सिंपल सी प्रॉपर्टीज सेटिंग्स हैं कि जी वर्जन कौन सा है, .2.2 हम टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसने एक सेक्शन क्रिएट किया आइटम ग्रुप का, जिसके अंदर वो शो कर रहा है कि कौन कौन से पैकेज आपके एडिड हैं। अब आपको ये रेफरेंस स्पेसिफिकली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी एक पैकेज की एंट्री यहाँ पर आ जाती है आइटम ग्रुप के अंदर इस तरह करके, तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका रेफरेंस भी ऐड हो गया है। अब रेफरेंस मैनेजमेंट सेपरेटली नहीं होती। सो ये दिस वाज द फर्स्ट वे। अगर मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका मतलब मेरे पास ये जो पैकेज है उसका रेफरेंस प्रोजेक्ट से ख़त्म हो गया सिंपली। इसको रीबिल्ड कर लेते हैं, अभी हमने यूज़ नहीं किया तो हमें कोई एरर भी नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ पर मैनेज न्यू गेट पैकेजेस में जाएँ, ये भी पुरानी ऑप्शन है। यहाँ पर आप ब्राउज में जाएँ और यहाँ पे अपने उस पाथ को, जो भी आपका पैकेज है उसका नाम, यहाँ पे आप सिंपली बेसिक जो नाम है हम वहाँ साइट से ले लेते हैं दोबारा जाके, ये आपको शो करेगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल इसका नाम इस तरह करके, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर्च करेगा, आपको दिखा देगा, आप सिंपली यहाँ से जो वर्जन इंस्टॉल करना है वो कर लें इंस्टॉल, और इंस्टॉल कर लें। इस इंस्टॉलेशन में और जो पहले आपने कमांड दी थी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन ये आपका प्रोजेक्ट में रेफरेंस ऐड करेगा, आप जाके अपने दोबारा प्रोजेक्ट की फाइल को खोल के देखें तो वही लाइन दोबारा एंटर हो गई, ये वाली सिंपल जो लाइन थी, और अगेन रेफरेंस ऐड हो गया और यहाँ पे विजिबल हो गया। मैं फिर इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट वे हमारे पास क्या है, अगर आपके पास ये वाली कमांड अवेलेबल हो जाए, यहाँ देखें ये पैकेज मैनेजर की कमांड अवेलेबल है पूरी की पूरी, अगर आप सिंपल यहाँ से कमांड कॉपी कर लें और सिंपली अपने पास यहाँ ला कर डायरेक्ट पेस्ट कर दें, अब आपने पैकेज भी ऐड कर लिया और इसका रेफरेंस भी ऐड हो गया। सिंपल रीबिल्ड करें, वो इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी तो डाउनलोड कर लेगा, अगेन रिस्टोर कर रहा है आपके लिए कंप्लीटेड, दैट्स ऑल। सो ये हमारे पास वे। इसके अलावा अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से काम करें तो उसके लिए भी कमांड अवेलेबल है, जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लिंक पे देखें तो यहाँ पे उसने डॉट नेट सी एल आई कमांड दी हुई है। इस तरह आप कमांड डॉट नेट ऐड और पैकेज, और आगे पैकेज के नाम और वर्जन दे के कमांड प्रॉम्प्ट से भी पैकेज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखें, एक तो पैकेज डॉट कन्फिग की फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके पास। अगर मैं इसको ओपन करूँ सिंपली फोल्डर में, तो अब आपको यहाँ पैकेजेस का फोल्डर भी नज़र नहीं आएगा, यानी कोई पैकेजेस का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो पैकेजेस का फोल्डर कहाँ चला गया? सो अगर आपने पैकेजेस का फोल्डर देखना हो तो वो बेसिकली आपके यूज़र के अंदर डॉट न्यू गेट का एक फोल्डर नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ये न्यू गेट का फोल्डर, और उधर पैकेजेस का फोल्डर चला गया, यानी आप जितनी भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं उनमें जितने भी पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं वो पैकेजेस को बेसिकली इस फोल्डर में रखता है। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में सेम पैकेजेस यूज़ हो रहे होंगे, तो वो जो पहले पैकेजेस आपके डाउनलोड हुए होंगे वो इनको रीयूज़ कर लेगा इस फोल्डर के थ्रू, ना कि वो हर फोल्डर के अंदर आपको पैकेजेस का फोल्डर क्रिएट करता जाए हर प्रोजेक्ट के अंदर। और दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है कि जब आप कमिट करते हैं या रेपो भेजते हैं अपनी, तो अब आपको वो पैकेजेस का फोल्डर एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो पार्ट ही नहीं बन रहा आपके सोल्यूशन का, तो आपको उसकी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है।
सो ये है पैकेजेस की कहानी। आई होप सो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बड़ी सिंपल सी है, बड़ा क्लीन हो गया है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और बहुत सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर हैं, कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है। पैकेजेस को ऐड करना बड़ा आसान कर दिया, सिंपली ये लाइनें कॉपी पेस्ट करें इसके अंदर। आपको कोई अलग कमांड चलाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल ऐड करते जाएँ, पैकेजेस ऐड होते जाते हैं और आपको अलग अलग रेफरेंस भी ऐड नहीं करना पड़ता। सिंपली यही रेफरेंस है और यही आपका पैकेज है। अच्छा, इसके बाद अगर हम रेफरेंस मैनेजमेंट की बात करें, जो हम दूसरे प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपली इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्लास लाइब्रेरी को। ये मेरे पास है जी क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट कोर। नेक्स्ट करता हूँ, इसको नाम रहने देते हैं यहीं वाला ही, क्रिएट करता हूँ। सो ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब अगर मैंने इस वाले के अंदर मैंने रेफरेंस ऐड करना हो उस प्रोजेक्ट का, तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज पर क्लिक करता हूँ। ये सारे रेफरेंसेज पर क्लिक करते थे, ऐड रेफरेंस करता हूँ। सो ये मुझे दिखाएगा मैंने अगर कोई फोल्डर से करना हो, मैं अब यहाँ पे सिंपल अपने सॉल्यूशन से करना चाह रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट में जाकर सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो अपने इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखा देगा। मैं उनको ओके करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। तो अब उसने क्या किया कि मेरा जो रेफरेंस था उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके लिए उसने एक नया सेक्शन क्रिएट किया है और उसके अंदर प्रोजेक्ट रेफरेंस डाल दिया है और अंदर उसकी उस प्रोजेक्ट फाइल का पाथ दे दिया है। तो मेन अब मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे वो वर्जन का फ़र्क दिखा रहा है उसको। अगर हम यहाँ पे जाके अपने इस क्लास लाइब्रेरी का बाय डिफॉल्ट, चूँकि मेरे पास डॉट नेट 3.0 भी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको 2.2 कर लेता हूँ ताकि वो ये वाला एरर हमें ना दे जो अभी मुझे एरर आ रहा था। सो मैं दोबारा रिबिल्ड करता हूँ। सो एवरीथिंग शुड बी फाइन हियर। सो ये बेसिक्स ही हैं चीज़ें। आप यहाँ पे मैनुअली भी फाइल को खोल के चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। सो ये जो व्यू नज़र आ रहा है आपको डिपेंडेंसीज का, न्यू गेट का, प्रोजेक्ट्स का, ये व्यू स्टूडियो बिल्ड कर रहा है। फिजिकली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली सिर्फ ये फाइल एग्जिस्ट करती है जो कि आपको इस तरह नज़र आती है। अगर आप यहाँ पे जाएँ कंसोल ऐप के अंदर, ये फाइल एग्जिस्ट करती है जिसको आप खोल सकते हैं नोट पैड एडिटर में, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई होप सो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको टेम्पलेट की, कंसोल एप्लीकेशन की समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएँ, इस लिंक पे जाएँ हमारे पास जो मेन लिंक है, तो यहाँ आपको जो डॉट नेट कोर के डेमोज हैं वो अवेलेबल हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हैं रीड। और ये अगर साइट पे जाएँ लर्निंग उर्दू डॉट पी के पे, तो यहाँ आपको तमाम जो पुरानी वीडियोज़ और जो कोर्सेज़ हैं इन उर्दू हिंदी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगी हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, इसको शेयर करें दूसरों के साथ ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।